स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, फेसबुक एड्स के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप रीच एड्स चला सकते हो। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है जिसको आप सेल करना चाहते हो, या अपने ब्रांड की विजिबिलिटी अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो, तो दोस्तों रीच एड्स इज द फर्स्ट स्टेप। बिकॉज जब तक आप सही ऑडियंस तक रीच ही नहीं बनाओगे, तो ना लीड जनरेशन का फायदा है और ना कन्वर्जन का। तो सही तरीके से कैसे आप फेसबुक पे रीच एड्स बना सकते हो, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाया है और इसके बेनिफिट्स आपको बताए हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कीजिएगा। और फेसबुक के साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो बिना पैसा लगाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज इस पे लगभग 850 के अराउंड वीडियोस हैं विद लेटेस्ट कंटेंट, और इस साल हम आपको लगभग 1000 वीडियोस 30-35 नई सीरीज देने जा रहे हैं फॉर इनडेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में फेसबुक रीच एड बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, फेसबुक रीच एड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वो डायरेक्ट या तो लीड जनरेशन या कन्वर्जन्स पे जाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। रीच एड का मतलब है कि हर उन लोगों तक रीच बनाना जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो रीच एड स्टेप बाय स्टेप अच्छे से मैंने समझाया है, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो एड अकाउंट में आके क्रिएट एड पे क्लिक कीजिए, आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज कीजिए रीच, यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पर हम पहले कैंपेन का एक नाम दे देते हैं, जैसे मैं दे देता हूं MF, मतलब मार्केटिंग फंडास डेमो रीच एड। ठीक है, इसका मतलब मेरे को याद रहेगा, मैंने मार्केटिंग फंडास डेमो के लिए ये एड बनाया था। अब दोस्तों, यहां पर ये जो देख रहे हो नो कैटेगरीज डिक्लेयर्ड, ये करना भी नहीं है। बिकॉज ये तभी करना है जब आपका सोशल, कोई पॉलिटिकल, कोई इलेक्ट्रिकल या कोई दिक्कत वाला मुद्दा हो जिसको रिजेक्ट करा जा सकता है फेसबुक के द्वारा, तो ये आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर पहले वो सेलेक्ट कुछ मत कीजिएगा। अब नीचे जब आप यहां पर आओगे तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हमने कर चुके हैं हम रीच का, इसलिए यहां पर नीचे रीच शो कर रहा है। ठीक है, आप शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। यहां पर कैंपेन स्पेंड लिमिट जो है ऑप्शनल है, तो यहां पर आपको अभी कुछ नहीं करना है, इसको आप रहने दीजिएगा एज इट इज। नीचे आते हैं, एबी टेस्ट का हमने वीडियो डाल रखा है, वो आप देख लीजिएगा। ये मदद करता है कि कौन से एड्स परफॉर्म करेंगे, और ये अच्छा है, इसको सीखिए हमारा वो वीडियो देख के। अब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये ऑन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपका स्पेसिफिक वीडियो भी इसके ऊपर बना रखा है, बताया है इसके फायदे क्या हैं। तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हर ऐड में ओपन कीजिए, बिकॉज इससे फेसबुक को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि वो आपके बजट को ऑप्टिमाइज करे, कम से कम कॉस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट ला के दे। नीचे आते हैं, इसमें दो तरीके हैं, डेली बजट, एक तो जो रोज आप खर्च करना चाहते हो वो लगाओ, या लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट क्या होता है कि मान लो मेरे को ये रीच का एड चलाना है, बट इस रीच का एड 10 दिन ही चलाना है और इसके अंदर मेरे को 10,000 रुपए लगाने हैं, तो मैं यहाँ 10,000 डाल दूंगा, तो और नीचे डेट वगैरह सब सेलेक्ट कर दूंगा, 10 दिन डाल दूंगा, तो 1,000 रुपए में डिवाइड कर देगा, तो जो कैंपेन बजट हो जाएगा वो मेरा लाइफ टाइम इस कैंपेन का बजट 10,000 हो गया, 10 दिन चल के अपने आप ही बंद हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लाइफ टाइम बजट यूज करोगे तो नीचे यहाँ पर आप देखो एड शेड्यूल आप कर सकते हो, मतलब डेट टाइम किस किस दिन किस किस समय में आपका एड चले। मगर अगर आप डेली बजट यूज करते हो, लाइक डेली बजट, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं, अभी हम 100 रुपीज रखते हैं। नीचे आते हैं,
और डेली बजट करोगे तो आप एड शेड्यूल नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखो कैंपेन बिड स्ट्रेटजी लोएस्ट कॉस्ट है, यहाँ दो चीज आ रही है, लोएस्ट कॉस्ट एंड बिड कैप। तो लोएस्ट कॉस्ट कम से कम पैसों में, ज्यादा से ज्यादा आप कैसे फेसबुक, आप से फेसबुक को इंस्ट्रक्शन मिल गया है जी कम पैसों में मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आओ। बिड कैप के अंदर है कि आपने फेसबुक को बोल दिया है जी मैं मान लो 100 रुपये लगा रहा हूँ, तो 100 रुपये तक की मैं आपको छूट दे रहा हूँ, इतने रुपए तक आप मेरी बिडिंग कर सकते हो, कॉस्टिंग ला सकते हो, ठीक है। तो ये नीचे आते हैं, हम लोएस्ट कॉस्ट पे ही स्टार्टिंग में मैं आपको दूंगा, अगर आप नए हो तो लोएस्ट कॉस्ट ही चूज करो। नेक्स्ट करते हैं, जब हम नेक्स्ट करते हैं इसको तो यहां पर आप अपने एड सेट का नाम दे दो, क्योंकि आप मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हो और बनाने भी चाहिए मल्टीपल एड सेट। अब मैं यहां पर MF1 करके एड सेट का पहला नाम दे देता हूं, यहां पर मैं फेसबुक का पेज चूज कर लूंगा तो ऑब्वियसली MF का ही करूंगा, ठीक है, मार्केटिंग फंडास का जो हमारा पेज है वो हमने चूज कर लिया। अब यहां पर जो है तो यहाँ पर डायनेमिक क्रिएटिव को अभी हम चूज नहीं करेंगे, बट इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका वीडियो भी हमारी सीरीज में है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, और ये बहुत यूजफुल फीचर्स में से एक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें चूज नहीं करेंगे, नीचे बजट एंड शेड्यूल में आते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब बजट तो हम अपना पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, हमें पर डे कितना लगाना है, अब कब हमें ये एड चालू करना है। अब ये अगर डेट जो करंट डेट दिखा रहा है, अगर इस डेट पे हमें ऐड चालू रखना है तो हमें क्या करना है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। तो जब भी फेसबुक आपका ऐड अप्रूव करेगा तो ये हैंड टू हैंड चलना शुरू हो जाएगा ऐड। मगर आप अगर मान लो फेसबुक ने आज ऐड आपका अप्रूव कर दिया और आप चाहते हो आज ऐड ना चले, मेरा ऐड तो 28 तारीख को चले, तो मैं 28 तारीख को भले ही ऐड आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा मगर एड आपका चलेगा 28 तारीख को ही, और आप कोई एंड डेट लगाना चाहो कि इस दिन अपने आप ही वो एड खत्म हो जाए तो आप लगा देना, वरना मैन्युअली भी मैनेज कर सकते हो, जरूरी नहीं है सब चीजें आपको करनी है। अगर आप ऑटोमेटेड रहना चाहते हो तो कर देना, नहीं तो आप मैन्युअली भी चीजों को मैनेज कर सकते हो। अब नीचे आते हैं शो मोर ऑप्शंस के ऊपर, तो यहां आपको कुछ नहीं करना है स्पेंड लिमिट के अंदर, ठीक है, ये आ गए हम अपनी ऑडियंस पर। अब यहाँ दो ऑप्शन आते हैं दोस्तों, क्रिएट न्यू ऑडियंस और यूज सेव्ड ऑडियंस। यूज सेव्ड ऑडियंस क्या है, मतलब मैंने अगर कोई एड पहले बनाया या अभी बनाऊंगा और उसमें मैं जो भी लोकेशन, एज, डिटेल टारगेटिंग, ठीक है, ऑडियंस टारगेटिंग, कुछ भी जो करूंगा उसको मैं एक नाम दे के सेव कर दूंगा उस कैंपेन में। अब क्या इन फ्यूचर मैं उस अकाउंट में, पेज में कोई भी और एड चलाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे को ऑडियंस शो कर देगा, और मान लो उस ऑडियंस ने मेरे को बड़े अच्छे रिजल्ट दिए थे तो मैं उसी ऑडियंस को सेलेक्ट कर लूंगा ना, मैं दोबारा ऑडियंस बनाने में अपना टाइम क्यों लगाऊंगा। तो ये उसके लिए होता है, बट अभी मैं आपको यहां से नहीं सिखा रहा हूँ, क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जा रहे हैं, आपको ऑडियंस बनाना सिखा रहे हैं, फिर सेव करना सिखाएंगे। अब जब क्रिएट न्यू ऑडियंस पे आए तो दोस्तों कस्टम ऑडियंस पे कुछ नहीं करना, इसका हम आपको फर्दर सिखाएंगे। ये जनरली आपके ऑडियंस क्रिएट करना, रीटारगेटिंग वगैरह के अंदर काम आता है। नीचे आते हैं, अब यहाँ लोकेशन है, मान लो मेरे को दिल्ली के लोगों को टारगेट करना है सर, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर दिल्ली के लोगों को टारगेट करा, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। अब यहाँ ऑप्शन आ गया दिल्ली, और दिल्ली से लगा हुआ 40 किलोमीटर का एरिया टारगेट होगा, तो अगर आप रेडियस बढ़ाना घटाना चाहते हो तो यहाँ से बड़ा घटा सकते हो, और अगर आप रेडियस नहीं चाहते हो तो आप सीधा करंट सिटी कर दो। करंट सिटी, करंट सिटी से मतलब अब सिर्फ दिल्ली टारगेट होगा, दिल्ली के आसपास का एरिया टारगेट नहीं होगा। तो ऐसे करके आप जो मर्जी सिटी, स्टेट, जो मर्जी चुनो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। डिटेल और ये जो आप लोकेशन टारगेटिंग देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने इस सीरीज में अलग से भी एक वीडियो दे रखा है, स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में समझाया, वो चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पर हमने अपना एरिया चूज कर लिया, अब हम अपना एज चूज कर लेते हैं। मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का दिखाना है, क्योंकि मैं मेरे को लगता है कि जो बिजनेसमैन या बिजनेस के रिलेटेड लोग ज्यादा उसको देखेंगे, तो मैं 25 साल से लेके 24-25 साल से लेके मैं लगभग 50 साल तक, 55 साल तक के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डिसीजन मेकर्स होते हैं। जेंडर हमारे ऊपर है कि अब मेरे को मैन वुमेन कौन सा टारगेट करना है, दोनों करने तो ऑल पे रहने दूंगा, तो मैं अभी ऑल पे रहने देता हूँ, ठीक है। आप अपने मान लो आपका फीमेल प्रोडक्ट्स का काम है तो आप वुमेन ही तो टारगेट करोगे, ठीक है, बट मैं ऑल टारगेट कर रहा हूँ। तो नीचे डिटेल टारगेटिंग पे आते हैं,
डिटेल टारगेटिंग, अब मेरे को अपने डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के लिए लीड्स चाहिए, ठीक है, मतलब अभी तो मैं ब्रांड अवेयरनेस एड चला रहा हूँ, तो मतलब मैं उन लोगों को अपना एड दिखाना चाहता हूँ जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, तीन ऑप्शंस आ गए मेरे पास, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर। और डिटेल टारगेटिंग में मैंने आपको दिखाई दिया है कि डेमोग्राफिक्स में हम एजुकेशन, फाइनेंशियल, पर्टिकुलर सेक्टर या रिलेशनशिप, वर्क या लोगों के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट में हम जिसमें लोग इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस में, इंडस्ट्री में। अब मैं मान लो बिजनेस और इंडस्ट्री में जाता हूं और यहां से चूज कर लेता हूं बिजनेस। बिजनेस में मैं गया, यहां पर मैंने बिजनेस को सेलेक्ट कर लिया। अगर मान लो जो बिजनेसमैन है उनको सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैं डेमोग्राफिक्स में गया और यहां पर मैं वर्क में गया। वर्क में जाने के बाद मैंने एम्प्लॉयर्स या इंडस्ट्रीज के हिसाब से टारगेट करना है, तो मैंने इंडस्ट्रीज के हिसाब से टारगेट कर लिया जी। मेरे को वो लोग टारगेट करने हैं जो आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मीडिया में डील करते हैं, या मेरे को वो लोग टारगेट करने हैं जो एजुकेशन के अंदर डील करते हैं, या वो लोग टारगेट करने हैं जो आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज में करते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरे ऊपर है कि मैं अपने बिजनेस के हिसाब से किन लोगों को चूज करता हूँ, उसके हिसाब से मेरी यहाँ पर ऑडियंस बनेगी। तो ये तो मैं डेमो पर्पज से सिखा रहा हूँ, बट क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल टारगेटिंग का ट्यूटोरियल दिया है, उसको अच्छे से देखिएगा, बारीकी से सीखिएगा, बिकॉज सही ऑडियंस अगर टारगेट नहीं करी तो आप बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं पाओगे जो आप चाहते हो। तो इसके साथ साथ डिटेल टारगेटिंग का ट्यूटोरियल एक दो बारी रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आप सही डिटेल टारगेटिंग कर पाओगे। और ये अगर सही से कर लिया तो रिजल्ट्स अपने आप ही दिखने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों हम आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। अभी लैंग्वेज पे हमें कुछ चूज नहीं करना है, जो है एज इट इज रहने देंगे। मोर ऑप्शंस पे जाते हैं। अब मोर ऑप्शंस पे आप यहाँ पर देखो कनेक्शंस, कनेक्शंस में आ रहा है पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, मतलब आपके पेज को जो लाइक फॉलो करते हैं उनको भी टारगेट करना है, तो यहाँ पर करोगे तो टारगेट हो जाएंगे। पीपल सिमिलर टू दोज हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, अब वह वैसे लोग जैसे मेरे लोग जो मेरे पेज को टारगेट या फॉलो करते हैं उन्हीं टाइप के लोगों को टारगेट करना है, सिमिलर। तो यह क्लिक कर लूंगा मैं। एक्सक्लूड पीपल, उन लोगों को हटा दो जो लाइक फॉलो करते हैं मेरे पेज पे, तो ये कर दूंगा। ऐसे अगर आप ऐप के ऐड चलाते हो तो ये वाला हो जाएगा। इवेंट आपने कुछ रन करा है, आपने कोई इवेंट बेस्ड कुछ काम करा है, तो उसमें जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड करा है उनको ऐड दिखाना है। अगर आपका काम उससे रिलेटेड है जो इवेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ट्रेड फेयर या इस तरीके के इवेंट्स, तो वो हो गया, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अब जब ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे तो एक ऑडियंस क्रिएट होगी, तो उसको सेव ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पर हमने अभी थोड़ा सा सेलेक्ट करा था तो हमारी ऑडियंस आ गई। अब मान लो इस ऑडियंस का नाम हो गया MF कोर्स एड अकाउंट, या कोई नाम देना है तो चेंज करना है वो नाम भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ MF डिजिटल एजेंसी, ठीक है, MF डिजिटल एजेंसी डेमो। तो मुझे याद रहेगा कि मैंने सिखाने के लिए ये एड ऑडियंस चुनी थी, तो मैंने सेव कर दी। अब इन फ्यूचर अगर आपकी वो ऑडियंस जो आप बनाते हो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपको बार बार ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं, ऑडियंस बनाने की, डिटेल टारगेटिंग की, आप उसी ऑडियंस को यूज़ कर लेना जैसे कि मैंने ऊपर सिखाया था। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट क्या है, अगर आप नए हो तो ये मेरी सलाह है कि आप इसी को चूज़ करो, बिकॉज आपको ये आइडिया नहीं होगा कि आपको किस प्लेसमेंट करनी है जहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट आए। तो ये फेसबुक के आप रहने दो, फेसबुक के ऊपर, और ये रिकमेंडेड भी है
आप फेसबुक को डिसीजन लेने दीजिए उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि आपकी सेटिंग्स और आपके बिजनेस और आपकी ऑडियंस के बेसिस पे डिसीजन लेता है कि कहाँ किसको कब ऐड दिखानी है। अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट चाहते हो कि आप डिसाइड करोगे कहाँ ऐड दिखे, तो आप यहाँ क्लिक कर लो। डिवाइसेस मतलब आप कहाँ चाहते हो, मोबाइल पे ऐड दिखे सिर्फ या डेस्कटॉप पे दिखे, या सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखे मोबाइल पे ना दिखे, तो आप उसको हटा अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म आप चाहते हो क्या, सिर्फ फेसबुक पे ऐड दिखे या आप चाहते हो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखे। तो मान लो अगर मैं फेसबुक यहाँ से हटा देता हूँ तो ये सिर्फ फेसबुक और फेसबुक मैसेंजर अपने आप हट जाएगा, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क आ गया, तो ये देखो कम हो गई हमारी रीच, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, इंस्टा पे दिखाना है, फेसबुक पे, दोनों पे। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मान लो आप नहीं चाहते मैसेंजर पे दिखे, तो देखो नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हो मैसेंजर पे भी दिखे तो सेलेक्ट कर लो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपने क्या करा, और ये यहाँ पर दिखा भी रहा है कि ये जो आपका ब्रांड अवेयरनेस का ऐड है कहाँ कहाँ शो होगा। अब जैसे ये फेसबुक राइट कॉलम में नहीं शो होगा इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा, मैसेंजर इनबॉक्स में शो नहीं होगा इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ऐड कहाँ कहाँ शो होगा और कहाँ शो नहीं होगा, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। शो मोर ऑप्शंस, अब स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको करना है तो यहाँ से एंड्रॉयड पे चलाना है, आईओएस पे चलाना है, कहाँ चलाना है अपने हिसाब से कर लो। आपको एक्सक्लूड स्किपेबल एड्स के, जो स्किपेबल एड्स होती हैं, ठीक है, आपको चलाना है। स्किपेबल एड्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, डोंट इंक्लूड स्किपेबल एड्स इन दिस एड, ठीक है, तो वो आप डोंट कर दो, ये आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ब्रांड सेफ्टी, तो ब्रांड सेफ्टी में फेसबुक इनस्ट्रीम वीडियोज या इंस्टेंट आर्टिकल्स, आईजीटीवी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री फिल्टर आ गया, तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा ये स्टैंडर्ड पे रहने दो, आप इसमें कोई छेड़खानी ना करें। तो यहाँ पर जैसे कि जो कुछ ऐसे होते हैं जैसे डिसीजन ऑफ हाईली सेक्सुअल टॉपिक्स या मेजर कोई लड़ाई या वूंड्स चोटिल वगैरह के, या यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अब्यूसिव लैंग्वेज, इस तरीके के कॉन्टेंट के ऊपर एड ना दिखाई दे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इन तीनों में से कौन सा चूज करना है, बट आप अभी स्टैंडर्ड पे रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑडियंस नेटवर्क करंट फिल्टर स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है। ब्लॉक लिस्ट, अब ब्लॉक लिस्ट क्या होती है, जो आपको क्रिएट करनी है, ठीक है, या आप कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन्स कर सकते हो कि मेरे को लाइव स्ट्रीम्स में नहीं दिखाना, ठीक है, या आप अपनी कोई ब्लॉक लिस्ट है कि इन ऐप्स पे नहीं दिखाना चाहता हूँ या इन पेजेस पे या इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो आप अपनी क्रिएट कर सकते हो। इन स्ट्रीम टॉपिक एक्सक्लूशंस, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, क्योंकि ये रीच ऐड है तो यहाँ पर दो ऑप्शन ये दे रहा है, रीच और इम्प्रेशंस। रिकमेंडेड रीच है बिकॉज हमारा मकसद है कि हम अपने टारगेट ऑडियंस तक मैक्सिमम रीच बनाएं, ठीक है, तो हमारा मकसद ही वही है, इसलिए रीच ऐड बना रहे हैं, तो हम यही चूज करेंगे। इम्प्रेशंस का मतलब है कि वो मल्टीपल टाइम्स भी एक बंदे को दिखा सकता है, बट रीच में उसका मकसद होता है कि मैक्सिमम लोगों को कम से कम एक बार दिखे, तो हम रीच वाले को ही क्लिक करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल में हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, शो मोर ऑप्शंस में जाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी कैप, डिफॉल्ट वन इम्प्रेशन एवरी 7 डेज, इसके कहने का मतलब है कि एक बार तो दिखेगा इस 7 दिन में जो आपके जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब आपको इसको बढ़ाना है कि 2 बार दिखे 7 दिन में एक बंदे को, या 2 बार 10 दिन में दिखे, ये सब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अब पैसा जो फेसबुक चार्ज करेगा इंप्रेशंस के हिसाब से करेगा, कितने लोगों को दिखा, इसमें आप कुछ अभी एडिट नहीं कर सकते। अब जब आप नेक्स्ट करोगे तो अब यहां पर हम ऐड बनाना सीखेंगे, ऐड कैसे बने, तो ऐड का भी एक नाम दे देंगे,
एमएफ एजेंसी एड, ठीक है, एक एड का हमने नाम दे दिया। अब दोस्तों यहां पर पेज वही सेलेक्ट कीजिएगा जिसका आपको एड चलाना है, तो मेरे को मार्केटिंग फंडास पे चलाना है तो इसलिए मैं वो पेज सेलेक्ट करूंगा। और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए आपके पेज से, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप अगर आपने नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेगा। अगर नहीं कर रखा है तो हमने वीडियो दे रखी है कैसे कनेक्ट करें इंस्टाग्राम फेसबुक को, वहां से देख लीजिए और सीख लीजिए, ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा। अब यहां पर एड सेटअप क्रिएट एड, ठीक है, अब यहां पर आप देखते हो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, अगर आपके फेसबुक पेज में कोई पोस्ट है, ठीक है, उसको यूज करना है तो आप यहां पर क्लिक कर लो, तो वहां से फिर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहां पर इसे हमने क्लिक करा, अब हम यहां पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे जो ऑप्शन आएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके पास फिर वही कॉन्टेंट सब कुछ वही चलेगा, आप ज्यादा एडिट नहीं कर सकते, बट अगर आपको खुद आपने क्रिएटिव डिजाइन करे हैं, सिंगल इमेज ऐड चलाना है, वीडियो ऐड चलाना है, मल्टीपल एड्स क्राउजल ऐड चलाने हैं, मतलब मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस दिखानी है, या कलेक्शन, ठीक है, आपको दिखाना है तो आप चूज कर लो। अभी हम आपको सिंगल इमेज सिखा रहे हैं, तो जैसे सिंगल इमेज है वैसे सिंगल वीडियो है, और क्राउजल भी होगा तो उसमें बस मल्टीपल आपको इमेजेस लगानी है, ठीक है। तो अभी हम सिंगल इमेज में चलते हैं और इसको एड इमेज पे जाके यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर हम कोई इमेज अगर पहले से हमने एड्स बनाए हैं वहां पर है तो उसी को चूज कर लूंगा, नहीं तो जिस भी फोल्डर में आपने इमेज रखी है तो अपलोड पे जाओ और उस फोल्डर से उस इमेज को आप फेच कर लो, बट अभी तो हम यहीं से ले लेते हैं एक इमेज। अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये देखो ये हमारा इमेज आ गया। अब इसका जो रेशो है या जो साइजेस हैं वो बिल्कुल करेक्ट चूज कीजिएगा, बिकॉज अगर सही रिकमेंडेड साइजेस चूज नहीं करोगे तो सही जगह पे सही जो एरिया है वहां पर वो नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है इस सीरीज के अंदर जहां पर एड साइजेस के रिकमेंडेशन है, वो जरूर देख लीजिएगा, तो सही साइज का एड बनाइएगा उसके हिसाब से। यहां पर डन कीजिए। डन करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो अलग अलग प्लेसमेंट्स पे अलग अलग इसने दिखा रखा है कैसे ऐड दिखाएगा, कहां कहां दिखाएगा, स्टोरीज वगैरह हर जगह दिखा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर प्राइमरी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट फिक्स रहता है, और प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये यूएसपी की तरह आप यूज कीजिए, ठीक है, कि जो यहाँ पर क्या कहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करे और कम शब्दों में आप अपनी पूरी बात बोलें। तो इमेज भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, और प्राइमरी टेक्स्ट भी आपका लिमिटेड वर्ड्स में होना चाहिए। इसमें आप कोई अपना ऑफर, कोई इसके अंदर आप अपना फोन नंबर, लिंक, तो ऐसी चीजें दे सकते हो ताकि आपकी इमेज और वो कंटेंट रेलिवेंट लगे, लोगों को वहीं पर ही मैक्सिमम पता लग जाए इमेज और प्राइमरी टेक्स्ट को देख के, अच्छा मेरे को यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है, तो वो वहां पर इंटरेस्ट ले, इंटरेक्ट करे, एंगेज हो आपके ऐड के साथ। ये करने के बाद आप यहाँ पर ऐड, अगर आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पे भी कोई क्लिक करके जाए तो ऐड अ वेबसाइट यूआरएल पे जाओ। हेडिंग ऑप्शनल है, ये बिल्कुल बॉटम में आती है ऐड के, तो हम डालते हैं गेट डिस्काउंट, ठीक है, 50%, बस, ठीक है, अभी हमने ये लिख दिया। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमने हेडिंग डाल दी और यहां पर नीचे यहां पर आ गई, ठीक है, अभी रिफ्रेश करते ही आ जाएगा। अब यहां पर हम वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं कि कोई अगर ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाना चाहता है तो मैं मार्केटिंग फंडास का यूआरएल कॉपी करता हूँ, जाता हूँ और यहां पर जाके यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये डाल दिया हमने तो कोई क्लिक करेगा तो आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर प्रॉपर सेटअप हो गया, डिस्काउंट वगैरह, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग, वेबसाइट सब आ गई प्रॉपर, अब एक ऐड की तरह बन गया, दिख रहा है आपको कैसे दिखेगा। कॉल टू एक्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि वो हमसे कॉन्टेक्ट करे, अप्लाई करे, तो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको क्या करना है,
तो हम तो यहाँ पर अभी कॉन्टेक्टस कर देते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्टस करते हैं क्योंकि हम वेबसाइट पे भेज रहे हैं उसको, ठीक है, इसलिए तो ये इस वजह से हमने करा। अब नीचे आते हैं, एड लैंग्वेज पे कुछ मत कीजिएगा, ट्रैकिंग आपको पिक्सल कोड लगा होना चाहिए और इवेंट्स वगैरह आपने सेटअप करने चाहिए, तो कैसे करना है तो वो हमने वीडियो इस सीरीज में दे रखी है, पिक्सल कैसे सेटअप करो, ऑफलाइन इवेंट कैसे सेटअप करो, इवेंट कैसे सेटअप कर सकते हो, सारा कुछ हमने सिखा रखा है, वहां से कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है, बिकॉज आप अपने एड्स की ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे अगर आपने पिक्सल सेटअप नहीं करें, अपनी वेबसाइट के संग इंटीग्रेट नहीं करें, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर रीमार्केटिंग करनी है, मॉनिटर करना है एड्स को, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है, तो बहुत ज़रूरी है। अब ये सब करने के बाद नीचे आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो सब हमने कर लिया, ओके है, अब पब्लिश पे क्लिक करते हैं। अब जब हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिशिंग के लिए जाएगा फेसबुक में, और पब्लिश होने के बाद ये देखिए यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर देखिए कैंपेन्स में हम देखते हैं। अब देखो हमने बनाया था एमएफ डेमो रीच एड, आ गया रिव्यू में। अब जब ये एड अप्रूव हो जाएगा तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे जैसे हमने अदर एड्स रन कर रखे हैं उनकी कॉस्टिंग आ रखी है, सारी डिटेल आ रखी है, वैसे ही यहाँ पर भी वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको हम स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज ये हमने सिखाने के लिए दिखाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रीच एड अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, आप इजिली इसको प्रैक्टिस करके बना लोगे। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी है हमारी एजेंसी से, या आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेना चाहते हो डायरेक्ट मेरे से, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, या आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।